नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा, सन ऑफ फार्मर, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है खरगोश पालन, रैबिट फार्मिंग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, खरगोश पालन एक ऐसा व्यापार है जिसे हम बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको 100 खरगोश से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आजकल डिमांड में चल रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सन ऑफ फार्मर को, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। नॉर्मली भारत सरकार द्वारा भारत में 6 प्रकार की नस्लों को इसकी मान्यता दी गई है। सोवियत चिंचला, न्यूजीलैंड वाइट, वाइट जॉइंट, ग्रे जॉइंट, ब्लैक और डच, ये 6 तरह की प्रजातियां आप भारत में पाल सकते हैं। आज मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ जोगेंद्र कुमार चौधरी जी से, जो कि यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग में एग्जीक्यूटिव है और इस कंपनी को लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। और इस कंपनी से जुड़ करके आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में डीलरशिप दे रही है। डीलरशिप देने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होता, सिक्योरिटी कुछ भी डिपॉजिट नहीं करनी होती है, बल्कि कंपनी आपको 35,000 पर मंथ, 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी देती है। अगर आप 10 यूनिट का फार्म ओपन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी के साथ, तो डीलरशिप आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाती है। अब बात आती है यूनिट, एक यूनिट की, तो एक यूनिट में 7 मादा और 3 नर होते हैं। इस तरह एक यूनिट में 10 खरगोश आते हैं, 10 खरगोश होते हैं। अगर आप 100 खरगोश लेते हैं, तो यानी कि आप 10 यूनिट में 70 मादा और 30 नर आते हैं। तो इस तरह आप 100 खरगोश से शुरुआत कर सकते हैं, 10 यूनिट से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेड की आवश्यकता होगी, तो टोटल खर्चा जो 10 यूनिट प्लस सेड बनाने का जो खर्चा होता है, तो टोटल मिलाकर के लगभग 3 या 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक यूनिट की बात करें तो इसमें 28,500 रुपये का खर्चा आता है, जिसके बदले में आपको कंपनी केज, जो जाल होते हैं, जाल, बेबी बॉक्स, फीडर, स्टैंड, मेडिसिन, खरगोश के बच्चे, खरगोश का इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको सेल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो कंपनी खुद आपसे कोर्ट के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 300 रुपये पर केजी के हिसाब से माल को वापस ले लेती है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट की। तो इसमें प्रॉफिट की बात करें तो मादा जो है नॉर्मली 45 दिन में 1 से 12 बच्चों को